Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very new, relevant and up-to-date topic, that is CPD of teachers, that is Continuous Professional Development of Teachers. So if you are aware with the NEP 2020, it has emphasized on the continuous professional development of teachers a lot. Okay. मतलब अगर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में आप जानते हैं, आपने पढ़ा है, तो उसमें आप पाएंगे कि ये शिक्षकों के सतत प्रोफेशनल विकास के लिए उसने बहुत सारी बातें कही हैं. तो ऐसा नहीं है कि सीपीडी की बात सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने ही कही है. उसके पहले भी बहुत कमीशंस, कमिटीज हमारे देश के ये कहते रहे हैं और इसके लिए योजनाएं बनती रही हैं. तो हम इसका हिस्टोरिकल आउटलुक देखेंगे इस वीडियो में, ये बातचीत होगी. तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, कैसे व्यावसायिक विकास हो, प्रोफेशनल बने टीचर्स, उसके लिए डे 1999 में कहते हैं कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑल नेचुरल लर्निंग एक्सपीरियंसेस वेयर कॉन्शियसली प्लान्ड एक्टिविटीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ टीचर्स हु रिव्यू, रिन्यू एंड एक्सटेंड देयर कमिटमेंट एज अ चेंज एजेंट टू द मॉरल पर्पस ऑफ टीचिंग एंड एक्वायर स्किल्स, नॉलेज एंड प्रोफेशनल थिंकिंग थ्रू आउट ईच फेज ऑफ टीचिंग. वो कह रहे हैं कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो शिक्षक हैं, इंडिविजुअल हो या ग्रुप ऑफ टीचर्स हो, उसको ऑल नेचुरल लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिले, इस तरह से एक्टिविटीज प्लान की जाएं कि उनको लाभ हो, वो पुनरावलोकन कर सकें, नए तरीके से देख सकें, विस्तार कर सकें अपने कमिटमेंट का. चेंज एजेंट के रूप में कहा जाता है ना, एजुकेशन इज द चेंज ऑफ सोशल एजेंट, एजुकेशन इज द चेंज एजेंट ऑफ सोशल चेंज, कि शिक्षा से ही सामाजिक परिवर्तन आ सकता है और टीचर को ऐसा एजेंट कहा जाता है जो सामाजिक परिवर्तन लाता है. तो जो ये चेंज एजेंट के रूप में जो उसकी भूमिका है, उसमें अपना कमिटमेंट बढ़ाए और टीचिंग और का जो मॉरल पर्पज़ है उसका, उसको और बेहतर करे, वो कौशल, ज्ञान और प्रोफेशनल थिंकिंग का को ग्रहण करे, अधिग्रहण करे हर शिक्षण के अपने हर फेज में, इस तरीके से कहा गया. फर्दर वेलेस 2015 में डिफाइन करते हैं कि कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट या सीपीडी एज द कंटिन्यूएशन ऑफ ए टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट बियॉन्ड देयर इनिशियल ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन एंड इंडक्शन. कह रहे हैं कि सतत जो ये विकास है शिक्षकों का, वो उनकी जो शुरुआती प्रशिक्षण है, जैसे मान लीजिए आप बीएड करके आए, बीटीसी करके आए, एलटी ट्रेनिंग ग्रेड से आए हैं, तो इनिशियल ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन एंड इंडक्शन का विस्तार हो, बियॉन्ड, उसके आगे जाना है. दिस मे टेक मैनी फॉर्म्स, बहुत तरीके से ये किया जा सकता है, जैसे कि आपको शॉर्ट कोर्सेज में आप पार्टिसिपेट करें, अपनी स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाएं, आप लॉन्गर कोर्सेज ऑफ स्टडी ज्वाइन करें, सच एज डिप्लोमा और पोस्ट डिग्री, पोस्ट पीजी कर लें किसी विषय में, स्टाफ डेवलपमेंट इवेंट आप ऑर्गेनाइज कराएं विद इन द टीचर्स ओन इंस्टीट्यूशन, कॉन्फ्रेंसेज, मेंटरिंग एंड पीयर असेसमेंट, कॉन्फ्रेंसेज में शामिल हों, मेंटरिंग की करें, पीयर असेसमेंट करें, मतलब ये सारे वो तरीके हैं, चाहे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, जिससे आपकी जो 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 आपका इनिशियल ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशन और इंडक्शन है, उससे बियॉन्ड आपको जाना है और सतत जाना है, जाते रहना है, सीखते रहना है. ये है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट. तो और इसके अलावा, इट मीन्स कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट इंक्लूड्स द कॉन्शियसली प्लान्ड एक्टिविटीज दैट विल एड इन द टीचिंग करियर ऑफ ए टीचर और हेड टीचर टू अपडेट द एग्जिस्टिंग नॉलेज और न्यू लर्निंग थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड्स. कोरोना के बाद से हम लोग ऑनलाइन पर हमने सीख लिया कैसे ऑनलाइन वर्ल्ड में पढ़ना पढ़ाना है, तो ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी ये ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन मोड इस्तेमाल किया जा रहा है. तो इसका मतलब हुआ कि कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हम कॉन्शियसली प्लानिंग, मतलब ऐसे नहीं हैपजर्डली, नहीं कुछ भी एक्टिविटी यहाँ, नहीं, कॉन्शियसली आपने सोच विचार के योजना बनाई है कि किस तरह से आप टीचर को उसके टीचिंग करियर में सहायता देंगे, जिससे कि वो अपनी जो एग्जिस्टिंग जो उसका ज्ञान है उसको एक बढ़ा सके, कुछ नया सीख सके, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में. और द नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 कहता है कि नीड फॉर सीपीडी, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की आवश्यकता है इन टर्म्स ऑफ द इमर्जिंग नीड फॉर क्वालिटी एजुकेशन. क्यों आवश्यकता है? क्योंकि एनईपी 2020 ने बहुत सारे नए एवेन्यूज के बारे में बात की है. तो वो पढ़ाएगा कौन? शिक्षक पढ़ाएगा, तो शिक्षक को उस तरह से अपडेट भी होना होगा. इन इंडिया द नीड फॉर प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज टू टीचर्स कंटिन्यूअसली बिकम्स स्पेशली इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्री सर्विसेज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स ऑफ द कंट्री हैव फॉर्मरली बीन ऑफ पुअर क्वालिटी, जनरली फेलिंग टू प्रोवाइड एनफ अंडरस्टैंडिंग टू टीचर्स फॉर डेवलपिंग एज रिफ्लेक्ट
रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स। वो कह रहे हैं कि टीचर को रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होना चाहिए, मतलब कि वो जो प्रैक्टिस कर रहा है, वो जो उसका टीचिंग वर्क है, जो वो क्लास में इंस्ट्रक्शन देता है, उस पर उसको रिफ्लेक्शन करना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए कि हम कितना लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर पा रहे हैं कि नहीं, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, क्या दिक्कत है, क्या अच्छाई है, ये सब कुछ। तो वो ये भी कह रहे हैं कि शुरुआती दिनों में पहले जो प्री सर्विस ट्रेनिंग दी जाती थी वो इनएडिक्वेट थी, अपर्याप्त थी, पुअर क्वालिटी की थी, तो उसमें और सुधार की आवश्यकता है। दस द न्यू कंसेप्ट ऑफ सीपीडी प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज दैट कैन केटर टू द अनएड्रेस्ड नीड्स ऑफ टीचर्स। इसलिए जो सीपीडी का कंसेप्ट 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति डिस्कस करती है, वो कहती है कि शिक्षकों को ऐसे अवसर मिलने चाहिए जो उनकी वो नीड्स, वो आवश्यकताएं जो अभी तक एड्रेस नहीं की गई हैं, जिन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है, उन पर ध्यान दिए जाने के साथ साथ ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज जिस भी मोड में हो चलने चाहिए। अब हम आते हैं हिस्ट्री पे कि क्या रही है इसकी हिस्ट्री। तो इसका इतिहास पुराना है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एक्सटेंशन सर्विसेज डिपार्टमेंट इन अबाउट 100 टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 was the first initiative। ये कह रहे हैं इसका मतलब कि सबसे पहले मुदालियर आयोग ने 1952-53 में कहा कि टीचर ट्रेन लगभग 100 टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस में एक्सटेंशन सर्विस डिपार्टमेंट खोला जाए। ये पहला मोड पहला मूव था प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स के लिए देश में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात हो रही है। फिर द एजुकेशन कमीशन 1964-66 रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्सेस विद नोडल स्कूल शोल्डरिंग द रिस्पांसिबिलिटी फॉर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टीचर्स वर्किंग इन द स्कूल्स ऑन द कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद कोठारी कमीशन 64-66 में कहता है कि आप स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बना लीजिए, और वो स्कूल कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे, जो टीचर्स स्कूल वर्किंग इन द स्कूल्स ऑन द कॉम्प्लेक्स, उस संकुल में, उस विद्यालय संकुल में जितने शिक्षक काम कर रहे हैं उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी आपकी होगी। इसी क्रम में स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन भी बनाए गए इन सर्विस एजुकेशन ऑफ टीचर्स, यानी कि सेवारत शिक्षकों के विकास के लिए। फिर उसके बाद आती है आपकी दी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपी 1986। ये क्या कहती है, मेड अ डिसिसिव इंटरवेंशन फॉर द क्रिएशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क फॉर इम्पार्टिंग इन सर्विस एजुकेशन टू टीचर्स एट ऑल लेवल्स, यानी कि हर स्तर पर शिक्षकों को सेवारत होते हुए उनका विकास, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया जाएगा, उसके लिए कोर्सेज चलाए जाएंगे, इंटरवेंशन किए जाएंगे। इसके लिए ये एक और स्कीम आई थी 1987 में, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन। ये इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो मतलब 1986 में ये आया, उसी के कंटिन्यूएशन में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आ गई, और इसने कहा, इसी स्कीम ने कहा था, या एनपीई 1986 ने ही कहा था कि डायट बना लीजिए, और इन डायट का क्या काम, और क्या कहा था एनपीई ने कि 250 कॉलेजेस जो हैं उनको आप अपग्रेड करके कॉलेजेस ऑफ टीचर एजुकेशन बना लीजिए, और उनमें से 50 को और सुदृढ़ीकरण करके उसका उनको इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन या IASE का दर्जा दे दिया जाए। तो ये सब इसीलिए हो रहा है कि शिक्षकों का इन सर्विस ट्रेनिंग, प्री सर्विस ट्रेनिंग, ये सब सुनिश्चित हो सके। इसके बाद आता है द प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स, इसको PMOST कहा गया। ये भी लॉन्च हुआ 1987 में, और डिड सक्सीड इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग टीचर्स अबाउट द ब्रॉड फीचर्स ऑफ द एनपी 1986 फॉर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीचर्स, यानी कि प्राथमिक और माध्यमिक जो शिक्षक लगे हुए हैं उनको ट्रेन करने के लिए बनाया गया, मास ओरिएंटेशन है, बहुत सारे शिक्षकों को एक साथ ओरिएंट करने के लिए। बाद में ये प्रोग्राम को अनदर क्रैश प्रोग्राम से रिप्लेस कर दिया गया, जिसका की नाम था स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर्स, सॉफ्ट हो गया ये। मतलब जो पी मोस्ट था वो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों के लिए था, फिर ये जो सॉफ्ट है वो सिर्फ प्राइमरी के लिए है। इन द अर्ली 1990s व्हिच एम्ड एट प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑन द कंटेंट एंड पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स। उसके बाद इन्होंने कहा कि थ्री टीयर सिस्टम चलेगा, थ्री टायर सिस्टम। सबसे पहले आप ट्रेन कीजिए की रिसोर्स पर्सन को, की रिसोर्स पर्सन ट्रेन करेंगे रिसोर्स पर्सन को, और रिसोर्स पर्सन ट्रेन करेंगे टीचर्स को। इस तरह से ये क्रमवार इसने सुनिश्चित किया, और ये सब किसके तहत हो रहा था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। फिर आता है आपका सर्व शिक्षा अभियान, देखिए क्रमवार चल रहे हैं 1952, फिर 1964-66, फिर 1986, फिर 1987, उसके बाद आ रहा है 2001 में सर्व शिक्षा अभियान वाज इंप्लीमेंटेड एज इंडियाज मेन प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, हम लोग जानते हैं। इसका गोल था कि हम यूनिवर्सल एक्सेस और रिटेंशन को हासिल कर सकें, मतलब हर बच्चे तक पहुँच हो, हर बच्चा वहाँ रुके, स्कूल में विद्यालय छोड़े नहीं, और ये जो गैप है जेंडर और सोशल कैटेगरी का उसको हम बांट सकें, और हम बच्चों के लर्निंग
स्पेंडिंग लेवल को बढ़ा सकें। इसी को जब ये आरटीई एक्ट आ गया 2009 तो ये और मजबूत हो गया, विच गेव ए लीगल मैंडेट। अब ये हम लीगल हो गया एक्शन कि आपको स्टेट को ये जिम्मेदारी लेनी ही लेनी है कि वो फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन हर चाइल्ड को प्रोवाइड करेगा अप टू 14 ईयर्स, यानी 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को। ओके, फिर अंडर द SSA सर्व शिक्षा अभियान में ये भी कहा गया, सिर्फ ये नहीं कहा गया, देखिए ये लिंक है, अगर आप बच्चों को रोकना चाहते हैं स्कूल में तो इसका मतलब शिक्षक को उच्च कोटि का होना चाहिए, और शिक्षक को उच्च कोटि का बनाने के लिए आपको उसको लगातार उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना होगा। तो इन्होंने कहा कि इन सर्विस एजुकेशन ऑफ एलिमेंट्री टीचर्स इनवाइसेजेस 20 डेज ऑफ ट्रेनिंग फॉर अ टीचर एवरी ईयर। इन्होंने कहा कि हर शिक्षक जो एलिमेंट्री लेवल पर लगा हुआ है उसको हम इन सर्विस ट्रेनिंग देंगे 20 दिन की हर साल, विच इज फर्दर स्प्लिट इंटू 2 सेगमेंट्स ऑफ 10 डेज ईच। बाद में इसको बांट दिया गया कि अच्छा इसको दो बार कर लीजिए 10-10 दिन के लिए। दी फर्स्ट सेगमेंट ऑफ ट्रेनिंग इज ऑर्गेनाइज थ्रू फेस टू फेस मोड एट दी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स दी डायट्स और सम अदर सुइटेबल इंस्टीट्यूशन विद द रिक्विजिट फैसिलिटीज। यानी उन्होंने कहा कि पहली बार जो ट्रेनिंग दी गई उन्होंने कहा कि ब्लॉक रिसोर्स सेंटर पर दी जाएगी या डायट पर दी जाएगी या इस तरीके का जहाँ पे हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। जो सेकेंड सेगमेंट था उसने कहा कि 10 मंथली मीटिंग्स ऑफ 1 डे ईच एट दी क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। उन्होंने कहा कि क्लस्टर रिसोर्स सेंटर पे 10 बार, मतलब 10 मंथली मीटिंग्स ऑफ 1 डे ईच, महीने में एक बार 10 दिन के लिए, मतलब 10 बार ऐसे करके मिलेंगे क्लस्टर रिसोर्स सेंटर पे। वी आर टीचर्स वर्किंग 10 मंथली मीटिंग्स ऑफ 1 डे ईच, मतलब हर मंथ में 10 मंथ में 10 बार एक एक दिन के लिए मिलेंगे क्लस्टर रिसोर्स सेंटर पे। वी आर टीचर्स वर्किंग इन क्लस्टर स्कूल्स मीट वंस ए मंथ टू शेयर एक्सपीरियंसेस एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर। जो ये महीने में एक दिन आप मिलेंगे और अपने अनुभव एक दूसरे से साझा करेंगे और एक दूसरे से सीखेंगे, ये तय किया गया। फिर आता है आपका एजुसेट की भूमिका आती है। कहा गया कि CIET और NCERT ने कहा कि हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे शिक्षकों के विकास के लिए, तो उसके लिए एजुसेट जिसका फुल फॉर्म एजुकेशनल सैटेलाइट है उसको कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बीन अलाउड बाय द इसरो टू CIET फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशंस टुगेदर कंस्टिट्यूटिंग ए नेशनल नेटवर्क। तो मतलब इसरो ने एजुकेशनल सैटेलाइट लॉन्च किया और उसने कहा कि CIET को उसने की नेटवर्क बन जाए, एक नेशनल नेटवर्क बन जाए एजुकेशनल सैटेलाइट के थ्रू। तो CIET ने क्या किया, एजुसेट को यूटिलाइज किया, उसका उपयोग किया कि हम ओरिएंटेशन करेंगे टीचर्स का किसके तहत, NCF 2005 जो राष्ट्रीय करिकुलम पाठ्यक्रम रूपरेखा आई थी 2005 में, और इन्होंने कहा कि हम 2006 से 2011 तक शिक्षकों को हम इसके तहत पढ़ाएंगे सिखाएंगे उनका विकास करेंगे। इट हैज़ गेन्ड अ वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस इन डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग वेरियस ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स ऑन NCF 2005 ऑफ टीचर्स, हेड टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, फिर आता है आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो कि लॉन्च हो रहा है 2009 में, और इसका क्या लक्ष्य था कि हम उच्च सेकेंडरी लेवल पे बढ़िया कर सकें सब हिसाब किताब। तो उसके लिए सेकेंडरी लेवल में जो टीचर्स लगे हुए हैं उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात इसमें की गई है कि हम इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे टीचर्स को जो साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेजेस और टेक्नोलॉजी में लगे हुए हैं। इसके बाद आता है आपका द गवर्नमेंट एडॉप्टेड एन इंटीग्रेटेड अप्रोच अंडर समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा आती है 2018-19 में, और उसने कहा कि अब हम सब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को जोड़ दे रहे हैं, वो सर्व शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है और टीचर एजुकेशन, इसको जोड़ के समग्र शिक्षा बनाया गया। और इसने कहा कि एन ओवरआर्चिंग प्रोग्राम फॉर द स्कूल एजुकेशन सेक्टर एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12, यानी कि अब हम प्री स्कूल से क्लास 12 तक बात करेंगे, होलिस्टिकली सब एक साथ बात करेंगे, हैज बीन प्रिपेयर्ड विद द ब्रॉडर गोल ऑफ इंप्रूविंग स्कूल इफेक्टिवनेस टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर स्कूलिंग एंड इक्विटेबल लर्निंग आउटकम्स बाई द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 4 फॉर एजुकेशन। यानी कि जो सतत विकास के लक्ष्य बनाए गए हैं 17, उसमें से जो 4 नंबर का है कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर स्कूलिंग एंड इक्विटेबल लर्निंग आउटकम्स प्रोवाइड कर सकें उसको ध्यान में रखते हुए यह समग्र शिक्षा अभियान 2018-19 में शुरू किया गया। उसके बाद आता है आपका जो लेटेस्ट चल रहा है वो है निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। देखिए इतने खूबसूरत ये एब्रीविएशन है, आपको इनको याद रखना चाहिए, और हर एब्रीविएशन का अपने आप में एक सार्थक अर्थ भी है, निरर्थक नहीं है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट एट दी एलिमेंट्री स्टेज अंडर समग्र शिक्षा इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ MHRD टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स। यानी कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत ही एलिमेंट्री स्टेज के लिए चलाया गया, और शुरुआत इसकी हुई थी फेस टू फेस मोड में 21 अगस्त 2019 को, और ये तय किया गया था कि नेशनल रिसोर्स ग्रुप से ट्रेनिंग दी जाएगी KRPs को, यानी कि की रिसोर्स पर्सन को, और स्टेट रिसोर्स पर्सन लीडरशिप को। बाद में कोविड के बाद ये प्रोग्राम ऑनलाइन हो गया, और इसको किसके थ्रू दिया जाने लगा, दीक्षा पोर्टल के थ्रू। और दीक्षा पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग विच आर कोऑर्डिनेटेड बाई NCERT, और NCERT ने इसको कोऑर्डिनेट करने का काम किया। और इस वक्त प्रेजेंटली करेंटली
निष्ठा ऑनलाइन प्रोग्राम इज बीइंग कंडक्टेड इन थ्री वर्जन. जो निष्ठा का कार्यक्रम है वो तीन वर्जन में चल रहा है. निष्ठा 1 जो है एलिमेंट्री लेवल के लिए, निष्ठा 2 जो है वो सेकेंडरी लेवल के लिए 2.0, एंड निष्ठा 3.0 इज फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी. इतना बड़ा है ये नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, निपुण भारत. ठीक है, तो इस तरह से ये चल रहा है प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात. दी असेसमेंट फॉर दीज ऑनलाइन कोर्सेज इज इंक्लूडेड इन एवरी कोर्स. 70% एंड अबव इज फिक्स्ड एज एन एलिजिबल स्कोर फॉर सर्टिफिकेशन एंड ऑल दैट. तो कहाँ से बात शुरू हुई थी, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, फिर आया आपका कोठारी कमीशन, फिर आता है आपका NPE 1986 आता है, फिर 87 में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन आता है, फिर आपका आ जाता है 2001 का सर्व शिक्षा अभियान, फिर आपका आता है 2009 का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, फिर वो बीच में RTE एक्ट 2009 भी आ रहा है सॉरी, और फिर उसके बाद ये सब जुड़ के समग्र शिक्षा अभियान 2018-19 में आ जा रहा है, और उसके बाद 19 में ही निष्ठा आता है जो फेस टू फेस मोड आता है, लेकिन बाद में कोविड के कारण ये ऑनलाइन हो जाता है, और इस वक्त ये ऑनलाइन प्रोग्राम ऐसा विद्यालय मेनली जो शिक्षक हैं उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए चल रहा है. और जो हायर एजुकेशन के टीचर्स हैं उनका तो आप जानते ही हैं कि PM पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन फॉर टीचर्स एंड टीचिंग था, जो कि अब मालवीय मिशन का दिया गया है उसमें से, और ये HRDC UGC तो सब आप जानते हैं. तो इस तरह से क्यों, क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था अगर सुधारनी है तो शिक्षक सुधारने होंगे, और शिक्षक सुधारने हैं तो उनको प्री सर्विस इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग देती रहनी होगी. ओके, इट इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स इन इंडिया. ओके, अभी भी हायर एजुकेशन वाला रह गया थोड़ा, लेकिन इतना काफी है क्योंकि PMMNGT वाला अभी एक पोर्शन इसमें रह गया, कोई बात नहीं. ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. आई हैव डन फ्रॉम माई साइड.